हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी में 11 बजकर 11 मिनट की क्या पावर है। तो जब भी 11 बजकर 11 मिनट बजते हैं एएम में या पीएम में, आप जो भी विश मांगेंगे ना, आपकी वो पूरी होगी। अभी कुछ महीनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जेनिफर लॉरेंस जो हॉलीवुड की एक्टर हैं, हंगर गेम्स की हीरोइन है, उनके बारे में लिखा था कि वो 11 बजकर 11 मिनट पर जो भी विश मांगती थी उनकी पूरी होती थी। पहले वो हंगर गेम्स के ऑडिशन के लिए गई थी और घड़ी में जब टाइम था 11 बजकर 11 मिनट, तो उन्होंने मांगा कि उनको लीड रोल मिल जाए। उन्हें लीड रोल मिला, फिर उन्होंने बाद में मांगा कि वो ऑस्कर में जीते हों, बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड मिले। 11 बजकर 11 मिनट को देखकर उन्होंने मांगा, और वो भी हम जानते हैं ऑस्कर अवार्ड भी मिला। तो इस टाइप से 11 बजकर 11 मिनट की पावर को आप भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अभी कैसे वर्क करता है, यूनिवर्स जो है ना रिसेप्टिव होता है, उसके पास सिर्फ एक ही आंसर होता है, येस। वो तो हमको अबेंडेंस है उसके पास, वो हमें सब कुछ देने को तैयार है, हम ही नहीं मांगते हैं या हम ही नेगेटिविटी ले आते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी से कोई भी चीज़ मांगेंगे तो यूनिवर्स के पास एक ही आंसर है, येस। अगर हम बोलेंगे येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा येस आप कर सकते हो। अगर हम बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो यूनिवर्स बोलेगा येस यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, आप नहीं कर सकते हो। तो वो तो येस बोलेगा हर आंसर में। आपको सोचना है कि आप कितने पॉजिटिव, और आपको अपना कन्विक्शन और अपना बिलीफ कितना स्ट्रांग बनाना है। तो इसलिए आप पॉजिटिव हो जाइए आज से, सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दीजिए। और स्पेशली 11 बजकर 11 मिनट पर यूनिवर्स बहुत रिसेप्टिव होता है, ये पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में ये बहुत इंट्यूटिव नंबर है और इसकी बहुत पावर है। तो 11 बजकर 11 मिनट एएम या पीएम, दिन या रात, आप एक मिनट के लिए जो भी आप लाइफ में चाहते हो ना मांगिए। एक अच्छा घर चाहते हो, एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, या आपका ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है और मजबूत हो जाए और लविंग हो जाए ये चाहते हो, तो आपको मिल सकता है। मेरा एक क्लाइंट था विजय, उसको मैंने ये चीज़ बताई थी, तो उसका ब्रेकअप हो रहा था, उसने ये चीज़ सीरियसली ले ली, मेरी बात दिल पर ले ली। 11 बजकर 11 मिनट पर दिन में और रात में दोनों टाइम कुछ मांगता था, ये मांगता था कि मेरा रिलेशनशिप टूटने से बच जाए, वो लड़की ना छोड़े, हमारे बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कुछ रास्ता निकल आए, और लड़की को खुद ऐसा फील हो जाए कि वी बिलोंग टुगेदर। एक महीने बाद मुझे उसका फ़ोन आया, उसने बोला सर आपने वो बात बताई थी और अब हम साथ में हैं, हमारा रिलेशनशिप टूटने से बच गया है, और लड़की ने आप यकीन नहीं मानोगे वही बात मुझे बोली कि आई थिंक वी बिलोंग टुगेदर। जो बात वो मांगा करता था 11 बजकर 11 मिनट की वॉच पे देख के, वही चीज़ लड़की ने बोली। इसलिए ये चीज़ आपसे मैंने शेयर करी कि इस पावर का आप भी यूज़ उठाइए, आप भी अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं 11 बजकर 11 मिनट पे रोज़ जो भी आप मेडिटेट करोगे एक मिनट तक, जो भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।